वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मींस फीफो मेथड की। हम लोगों को ये पता है कि जो भी बिजनेस है या फिर जो भी फैक्ट्री या कोई भी फर्म हो, उसमें बहुत सारे टाइप के गुड्स इनवर्ड और आउटवर्ड के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। वो सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो हमको मेंटेन करने होते हैं, और जहां पे हम स्टॉक मेंटेन करते हैं उसको ही हम बोलते हैं स्टॉक रजिस्टर। और ये जो स्टॉक रजिस्टर है वो पर्टिकुलर एक या दो मेथड नहीं है, बहुत सारी ऐसी मेथड है जिससे हम स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मींस जो बिजनेस में पहले गुड्स इनवर्ड हो रहा है वही हम आउटवर्ड करेंगे। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? तो सिंपल सेंस, अगर हमारे पास पेरिशेबल गुड्स या पेरिशेबल स्टॉक है, दैट मींस कोई ऐसा स्टॉक है, कोई ऐसा गुड्स है जहां पे हमारी एक्सपायरी डेट बहुत कम है। मतलब मैंने गुड्स लाया, 3-4 दिन में ये स्टॉक की एक्सपायरी डेट है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको पहले बिजनेस में से आउटवर्ड करूंगा। चल भाई तू पहले निकल, दैट मींस मेरे पास जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो मैं इस गुड्स को जो पहले आया है उसको ही वहां से आउटवर्ड कर दूंगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम बेस हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके पास एक रजिस्टर बनाया हुआ है, रजिस्टर में मैंने डेट, दैट मींस जो भी ट्रांजेक्शन जिस डेट को हो रहा है वो डेट हम लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर्स इनवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, दैट मींस रिसिप्ट और इश्यू हो रहा है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो भी मैटर हो रही है वो हम पर्टिकुलर्स में शो कर देंगे। देन आफ्टर रिसिप्ट, कितनी क्वांटिटी आ रही है, किस रेट से आ रही है और उसकी टोटल अमाउंट क्या है। सेम मेथड इश्यू में, कितनी क्वांटिटी हम इश्यू कर रहे हैं, क्या रेट है और टोटल अमाउंट, और जो हमारे पास रहेगा वो हम बैलेंस इंडिकेट करेंगे, उसमें भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो स्टार्ट कर दे हम एग्जाम्पल। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स Prepare a stock ledger account as per FIFO of Patel and Sons. For the month of July 2019, they have 1000 unit value rupees 16,000 as on 1st July 2019. मतलब हमको यहाँ पे 1st July को opening stock बोला गया है, तो सबसे पहले हम opening stock लिख देते हैं 1st July opening stock। बट ओपनिंग स्टॉक ना तो हमारे लिए रिसिप्ट होगा ना इश्यू होगा, तो किसमें इंडिकेट करना है ये वाला स्टॉक, बैलेंस में। तो बैलेंस में इंडिकेट कर देते हैं, हमारे पास क्वांटिटी बोली है 1000, रेट नहीं बोला बट अमाउंट पता है 16,000। तो रेट सिंपली फाइंड आउट करना है, अमाउंट 16,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट है, तो रेट क्या होगा हमारे पास, 16 रुपीज पर यूनिट। देन आफ्टर सेकेंड ट्रांजेक्शन, ये तो बात हुई ओपनिंग स्टॉक की, अब ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट 5th जुलाई 2019 को बोला है इश्यू इनवॉइस नंबर 101, इनवॉइस नंबर को हम यहां पे इग्नोर करेंगे, 400 यूनिट इश्यू कर रहे हैं हम। तो 5th जुलाई क्या कर रहे हैं हम, इश्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट में इश्यू में शो करूंगा, कितनी क्वांटिटी इश्यू करनी है 400। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है कि सर रेट कौन सा लगाएंगे, रेट तो आपको इंडिकेट नहीं किया, जब रेट इंडिकेट ना किया हो तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा है, हाँ ये वाले ट्रांजेक्शन में तो आपको बिल्कुल सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास 16 रुपीज वाला ही है, तो दूसरे कोई टॉपिक ही नहीं पॉसिबल है। तो 400 × 16 हमारे पास स्टॉक कितना इश्यू होगा, 6400। तो बैलेंस कितना रहेगा उसके बाद, 1000 − 400 को मैंने इश्यू कर दिया, तो 600 एट द रेट ऑफ 16 रुपीज एंड अमाउंट बचेगी हमारे पास 9600। ये हुआ हमारा ट्रांजेक्शन 5th जुलाई, जिस दिन हमको इश्यू करना था। देन आफ्टर 7 जुलाई को बोला है हम लोग परचेज कर रहे हैं, 400 यूनिट है एट द रेट 20 रुपीज पर यूनिट। ओके, तो परचेज करते हैं, तो 7th पर्टिकुलर में लिख देंगे हम परचेज। बट परचेज करेंगे तो क्या होगा,
गुड्स रिसीव्ड होगा, तो रिसिप्ट वाले में बता देंगे क्वांटिटी बोली है हमको 400 और रेट बोला गया है 20, तो 400 इंटू 20 दैट मींस स्टॉक हमारे पास कितना बचा 8000। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब यहां पे स्टॉक हमारे पास जो एक्चुअली स्टॉक है वो क्या रहेगा, मेरे बिजनेस में ऑलरेडी मेरा पुराना वाला स्टॉक पड़ा है 600 यूनिट एट द रेट 16 रुपीज पर यूनिट, टोटल अमाउंट है उसकी 9600, वो तो स्टॉक मेरे पास है अभी, बट ये वाला स्टॉक नया मैंने लिया हुआ है। तो क्या सर दोनों को मर्ज करके लिखना है? नहीं, दोनों को अलग अलग लिखना है। और पहले कौन सा लिखेंगे? जो पहले आया था वो पहले लिख देंगे। दैट मींस हमारे पास पुराना वाला स्टॉक कौन सा है 600 16 9600, उसके बाद ये वाला स्टॉक वहीं पे उसके नीचे लिख देंगे 400 20 8000। ये हो गया हमारा परचेस का ट्रांजेक्शन। मतलब जब भी मैं परचेस कर रहा हूं तो पुराना स्टॉक पहले लिखूंगा, उसके बाद नया स्टॉक लिख दूंगा। इन दोनों स्टॉक को मर्ज नहीं करना है, क्योंकि पता है हमको जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो जो पुराना स्टॉक है उसमें से हम पहले डिलीवर करने वाले हैं। देन आफ्टर 12th जुलाई इश्यू इनवॉइस नंबर 102, तो 12th जुलाई इश्यू कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट बोला है हम लोगों को यहां पे 800 यूनिट। अब 800 यूनिट किसमें से सोल्ड आउट कर रहा है? ध्यान से मैं फर्स्ट वाला पहले निकालने का ट्राई करूंगा। फर्स्ट वाले में मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है 600 यूनिट, तो 600 यूनिट तो सोल्ड कर ही दूंगा, बट कस्टमर को चाहिए 800 यूनिट। तो बैलेंस जो हमारे पास है, जो बाकी का है, जो 200 है, वो मैं इसमें से कलेक्ट कर लूंगा। तो मैं इश्यू में कैसे शो करूंगा 600 16 9600, टोटल आपको यूनिट कितने सोल्ड करने हैं 800, बट यहां पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है सिर्फ 600, तो बाकी का जो 200 का बचा वो हम इसमें से यूज कर लेंगे। 200 एट द रेट ऑफ 20 दैट मींस 4000 हमारे पास रहेगा। तो बैलेंस क्या बचा ये समझने का ट्राई करो। 600 तो हमने पूरा सोल्ड आउट कर दिया, 400 में से 200 को हमने सोल्ड आउट कर दिया, तो बैलेंस क्या बचेगा हमारे पास 220 और अमाउंट हमारे पास रहेगी 4000। ये था हमारा सेल्स का ट्रांजेक्शन। अगर हम इश्यू करना है तो कैसे इश्यू कर सकते हैं, ये उसका आपको उदाहरण मिल गया। देन आफ्टर 15th जुलाई को हम दोबारा एक बार परचेस कर रहे हैं, 300 यूनिट है, 24 रुपीज रेट है। तो चलो परचेज है 15 जुलाई को, हम लिख देंगे पर्टिकुलर में परचेज का ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्वांटिटी कितनी है 300, रेट बोला है हमको 24, तो 300 इंटू 24 आपके पास बचेगा 7200। बट बैलेंस कैसे लिखना है? सर पता है पहले पुराना वाला स्टॉक फिर नया वाला स्टॉक लिख दो। जी हाँ, पहले पुराने वाला स्टॉक लिख देते हैं 200 20 4000, अब नया वाला स्टॉक लिख दो 300 24 7200। ये हो गया हमारा परचेज का ट्रांजेक्शन। देन आफ्टर 18th जुलाई को बोला है इश्यू करना है, कितना इश्यू करना है, तो 400 यूनिट इश्यू करने हैं, कोई वादा नहीं है। चलो लिख देते हैं यहां पे इश्यू 400 यूनिट इश्यू कर रहे हैं, तो किसमें से इश्यू करेंगे? यस, पहले 200 में से इश्यू करना है हमको, पहले पुराने वाले स्टॉक में से इश्यू करेंगे। दैट मींस 200 20 4000, बट कस्टमर डिमांड कर रहा है सर हमको 200 यूनिट नहीं 400 यूनिट चाहिए। हाँ भाई तेरे को देता हूं दूसरे वाले भी, चलो मैंने 200 तो यहां पे दे दिया, अभी इसमें से भी मैं 200 यूनिट इश्यू कर दूंगा एट द रेट ऑफ 24, तो हमारे पास कितना रहेगा यहां पे 4800। तो बैलेंस क्या रहेगा? 200 यूनिट सोल्ड आउट कर दिए, 300 में से 200 यूनिट हमने इश्यू कर दिए, तो बैलेंस हमारे पास कितना रहेगा 124 रुपीज वाला रहेगा, और अमाउंट रहेगी उसकी 2000
400 अमाउंट रहेगी। देन आफ्टर ये हो गया 18th जुलाई, 23rd जुलाई परचेज कर रहे हैं 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 22 रुपीज। ओके, 23rd को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं परचेज का, तो लिख देंगे परचेज, परचेज कर रहे हैं रिसिप्ट में लिखेंगे कितना यूनिट हमने परचेज किया हुआ है 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 22 रुपीज। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 13,200 अमाउंट होगी। अब हमारे पास बैलेंस क्या रहा? सर कितनी बार बोला आपने पहले पुराने वाला स्टॉक फिर नया वाला स्टॉक लिख दो, तो चलो पहले पुराने वाला स्टॉक लिखते हैं 100 24 2400, नया वाला स्टॉक 600 22 13,200। ये हो गया 23rd जुलाई का। उसके बाद 26th जुलाई को बोला है अगेन परचेस कर रहे हैं हम 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 23 पर यूनिट परचेस कर रहे हैं, तो लिख देंगे यहां पे अगेन परचेस क्वांटिटी बोला है हमको 800 यूनिट, रेट बोला है 23 रुपीज, तो 800 × 23 अमाउंट होगी 18,400। तो अभी बैलेंस में कैसे लिखना है? हाँ सर पता है हमको ये वाला पॉइंट, पहले पुराने वाले, बट बच्चों पुराने वाले में हमारे पास दो स्टॉक पड़े हैं, तो जैसे है पुराने वाले स्टॉक वो तो लिखना ही है, उसके बाद ये वाला स्टॉक वहां पे ऐड करना है। तो यहां पे पुराने वाले स्टॉक 100 24 2400 600 22 13,200, और जो नया वाला स्टॉक है वो भी हम इंडिकेट कर देंगे 800 एट द रेट ऑफ 23 एंड 18,400। ये हो गया हमारा 26th जुलाई का ट्रांजेक्शन। उसके बाद 29th जुलाई को बोला है हमको इश्यू करना है टोटल 800 यूनिट इश्यू करवाना है, तो 29 जुलाई को हम इश्यू करवा देते हैं। चलो इश्यू, बट टोटल कितनी क्वांटिटी इश्यू करनी है? तो 800, तो 800 यूनिट हमको इश्यू करना है, तो पहले हम किसमें से निकालेंगे? चलो पहले जो पुराना आया था उसको भेज दो बाहर, 124 2400, बट हमको तो 800 यूनिट सोल्ड करना है, ये तो सिर्फ 100 का कैलकुलेशन हुआ। चलो उसके नीचे से भी ले लो 600 यूनिट, 622 और 13,200, बट सर ये भी 700 ही हो रहा है, तो अभी भी हमारे पास स्टॉक बचा है, लास्ट वाले स्टॉक में से उठा लो 100 यूनिट और 23 रुपीज रेट लगा लो 2300। तो बैलेंस में क्या रहेगा? 100 यूनिट सोल्ड आउट हो गए, 600 वो भी सोल्ड आउट हो गए, 800 में से हमने सिर्फ 100 यूनिट सोल्ड आउट किया है, तो हमारे पास बैलेंस कितना रहेगा? 700 यूनिट एट द रेट ऑफ 23 अमाउंट रहेगा हमारे पास 16,100। ये वो हमारा 29th जुलाई का पॉइंट। देन आफ्टर अगेन 29th जुलाई को हमको क्या बोला गया है यहां पे? रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, बच्चों ध्यान से, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के पास से गुड्स हमारे पास वापिस आ रहा है, दैट मींस इनवर्ड हो रहा है, जो हमने सोल्ड आउट किया था ऑन 29th जुलाई 2019 को, 29th जुलाई, दैट मींस अभी हमने सोल्ड आउट किया होता, वो हमारे पास वापिस आ रहा है। बट क्वेश्चन मार्क है कि सर हमने 100 600 100, दैट मींस टोटल 800 यूनिट सोल्ड आउट किया था, तो कौन सा वापिस लाना है हमको? तो वो हमको ऑलरेडी जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम में रेट इंडिकेट किया होगा, क्योंकि अलग अलग रेट से हम लोगों ने सोल्ड आउट किया था, तो रेट बोला है एट द रेट ऑफ 23 रुपीज, तो चलो वापिस हमारे पास आ रहा है, दैट मींस 29 बता देंगे हम सेल्स रिटर्न, इनवर्ड में बता देंगे कितना यूनिट हमको रिटर्न हो रहा है, 100, 23 रुपीज वाला रेट है, तो इसकी अमाउंट होगी 2300। बट अब मेन इंपॉर्टेंट है यहां पे कि बैलेंस कैसे लिखेंगे।
सर पुराना बैलेंस लिख दो, बाद में जो हमारे पास आया है वो उसके नीचे लिख दो। बट ये वाला रेट 23 है और यहां पे भी 23 है। अगर हम चाहे तो इसको कॉम्बिनेशन करके प्लस करके हम लिख सकते हैं टोटल। सर 700 था, 100 ऐड हुए 800। अल्टीमेट तो वही स्टॉक है, समझने की कोशिश करो। 800 यूनिट 18,400। इसमें से हमने 100 यूनिट सोल्ड आउट किया था एट द रेट ऑफ 23, वही हमको रिटर्न आया हुआ है। तो इसमें हम मर्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टॉक कितना बचेगा, 823 और 18,400। बट सर अगर मर्ज नहीं करना है तो जो भी हमारे पास सेल्स रिटर्न आ रहा है उसको मैं पहले इंडिकेट करूंगा। ध्यान से सुनना, सेल्स रिटर्न जो आ रहा है उसको मैं पहले इंडिकेट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक राउंड तो मार्केट में लगा के आया हुआ है। अब जब भी कस्टमर आएंगे तो वही स्टॉक मैं आउटवर्ड में भेज दूंगा। तो अगर सेल्स रिटर्न हुआ है हमारे पास तो पहले कौन सा स्टॉक लिखना है जो रिटर्न आया हुआ है वो, उसके बाद हमारे पास बैलेंस स्टॉक। अदरवाइज आप दोनों का टोटल करके लिख सकते हो कि 700। बट ये कब, एक ही ऑप्शन पे आप ऐसा कर सकते हो, एक ही कंडीशन पे, जब आपके पास रेट सेम हो और वही वाला स्टॉक हो तो ही आपको ऐसा करना है। और एट लास्ट 29 जुलाई, उसी डेट को रिटर्न टू सप्लायर परचेज ऑन 26 जुलाई 2019। अब क्या करना है हमको यहां पे, ये जो 100 यूनिट वापिस आए थे वो हमने इश्यू तो कर दिए थे, वापिस आया था, दैट मीन सेल्स रिटर्न हो रहा था हमारे पास। तो कुछ ना कुछ रीजन होगा कि उसने वापिस क्यों किया। हो सकता है शायद डैमेज हो, तो डैमेज हो तो मैं रख के क्या करूंगा, मैंने जहां से परचेज किए थे मैं उसको वापिस भेज दूंगा। तो यही बोला है कि रिटर्न टू सप्लायर, आप सप्लायर को रिटर्न कर दो वापिस। तो 29 जुलाई को हम बता देंगे परचेज रिटर्न, परचेज किया हुआ गुड्स हम अगर रिटर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इश्यू में चला जाएगा। बट कौन सा रेट, तो हमको यहां पे डेट तो बोला ही है कि जो हमने 26 जुलाई को परचेज किया था उस वाले स्टॉक को हम वापस भेज रहे हैं। तो 26 जुलाई को जो हमने परचेज किया था उसका रेट तो 23 था। तो यस 23,300। तो बैलेंस हमारे पास क्या रहेगा, 800 है, 100 हम लोगों ने वापस भेज दिया, 700 एट द रेट ऑफ 23, 16,100। ये हो गया हमारा फाइनल। दैट मींस जुलाई के एंड में हमारे पास टोटल 700 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 23 और फाइनल आंसर होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक 16,100। तो ये था हमारे पास सिंपल सा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ नहीं है मेथड में, जो पहले आ रहा है उसको ही हम पहले भेज रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो या फिर पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन में क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। तब तक आपको ऑल द बेस्ट।